तीन दशक से पहले की बात है, 1989 में एक साथ एक ही मकसद से गीडा और ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई थी। लक्ष्य था कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा प्रदेश के पश्चिमी इलाके का और नेपाल बिहार से लगा गीडा पूर्वांचल के औद्योगिक विकास के लिहाज से देश दुनिया में नजीर बने। इतने वर्षों में ग्रेटर नोएडा तो हर लिहाज से दिल्ली की बराबरी कर रहा है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के कारण गीडा बदहाल होता गया। गीडा की स्थापना से 28 साल तक लैंड बैंक जस का तस था, तो उद्योग के नाम पर गिनी चुनी इकाइयां ही थी। पर 5 सालों में सत्ता की नजर बदली तो गीडा का नजारा भी बदल गया। समृद्ध लैंड बैंक से गीडा में औद्योगिक वातावरण उद्यमियों को लुभाने लगा है। तुलनात्मक रूप से यहाँ लैंड बैंक में इजाफा हुआ है, तो औद्योगिक इकाई लगाने में स्थानीय ही नहीं बाहर के उद्यमी भी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। रेडीमेड गारमेंट पार्क का सपना तो साकार हो ही रहा है। आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग पार्क, एमएसएमई पार्क और आईटी पार्क स्थापित होने की पूरी संभावना है। 1989 में गीडा की स्थापना का नोटिफिकेशन हुआ, औद्योगिक विकास की भूमि का अधिग्रहण भी हुआ, लेकिन किसी बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के धरातल पर ना उतरने से वह मंशा पूरी नहीं हुई, जिसे लेकर इसकी ग्रेटर नोएडा के समानांतर परिकल्पना की गई थी। हालांकि बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने गीडा की बेहतरी के लिए भरसक प्रयास किया, केंद्र से लड़ भिड़ कर वह यहां दो बेहद महत्वाकांक्षी योजनाएं, टेक्सटाइल पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क लाएं, पर तत्कालीन राज्य सरकारों की उपेक्षा के नाते पूर्वांचल का कायाकल्प करने का मादा रखने वाली ये योजनाएं जमीन पर नहीं उतर सकी। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराने के पीछे की सोच बहुत दूरगामी थी। गोरखपुर को केंद्र में रखकर देखें तो पूर्वी यूपी का यह क्षेत्र किसी समय में हथकरघा से तैयार वस्त्रों का बड़ा केंद्र था। दम तोड़ते इस क्षेत्र को टेक्सटाइल पार्क के रूप में संजीवनी मिलने जा रही थी, लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर नहीं उतरने दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी हुआ। सांसद के रूप में इसकी लड़ाई लड़ने वाले योगी आदित्यनाथ का मानना था कि कृषि आधारित पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी, तो स्थानीय स्तर पर कच्चा माल और सस्ता श्रम उपलब्ध होने से यह क्षेत्र प्रोसेस्ड फूड आइटम का हब बन जाएगा। किसानों को उपज के लाभकारी दाम मिलेगा, रोजगार सृजन होने से इलाके को बोनस मिलेगा। राजनीति के दुराग्रह से इस परियोजना को भी ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया। 2016 तक गीडा की प्रगति के नाम पर कुछ था तो उंगली पर गिने जा सकने वाली छोटी और मझोली औद्योगिक इकाइयां। ग्रेटर नोएडा से प्रतियोगिता की शुरुआत 2017 से हुई है। लक्ष्य कठिन भले है, लेकिन 5 सालों की प्रगति मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही है। अमूमन हर उद्यमी इसे मानता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गीडा में बहुत कुछ बदला है। गीडा की स्थापना काल से ही इसकी बेहतरी के लिए लगातार आवाज बुलंद करने वाले चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि अब हम कह सकते हैं कि गीडा पूर्वांचल का ग्रेटर नोएडा बनने की राह पर है। गैस वॉटलिंग प्लांट और निट्रा की स्थापना योगी आदित्यनाथ के सांसद रहते हो गई थी। अब रेडीमेड गारमेंट पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लास्टिक पार्क, आईटी पार्क का डेवलपमेंट इसे इसके मकसद वाली पहचान दिलाने जा रहा है। कोका कोला जैसी कंपनी अपना यूनिट लगाने जा रही है। 50 करोड़ रुपए से ऊपर की इकाइयों के लिए प्रस्तावों की कतार लगी हुई है। एक दौर तक कोई भी बड़ा निवेशक गीडा में इसलिए भी यूनिट लगाने से कन्नी काट लेता था कि यहां उसकी जरूरत के मुताबिक जमीन ही नहीं मिल पाती थी, लैंड बैंक ही नाकाफी था। गीडा की स्थापना 1989 से लेकर 2017 तक 28 सालों में औद्योगिक इकाइयों के लिए सिर्फ 1800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ था। भाजपा शासनकाल के सिर्फ 5 वर्षों में 450 एकड़ अतिरिक्त लैंड बैंक तैयार हुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लगे हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जिस 2 से 3 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, वह इसके अतिरिक्त है। इससे उद्योग लगाने के लिए जमीन का संकट खत्म हो जाएगा। पर्याप्त लैंड बैंक होने से इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगामी कुछ एक सालों में यहां एमएसएमई पार्क, डाटा सेंटर पार्क, टेक्सटाइल हब की सौगात मिल सकती है।